अच्छा यहाँ से वहाँ तक चलती है, कोई चक्कर नहीं भैया। ओके तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो कैसी है मेरी राजा डीसी फैमिली, आपके लिए आज मैं तीसरा दिन ना कंटिन्यू ब्लॉग कर रहा हूँ। और आपका भाई देखो आपके लिए सुबह सुबह ना गर्मी में निकल गया है कि आपके लिए मैं अच्छा सा ब्लॉग ले पाऊँ, क्योंकि बड़े बंदे बोलते हैं कि राजा डीसी भाई आजकल आप कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं करते हो, बट फिर भी आपके लिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स करने के लिए निकल गया हूँ। कल आपका भाई स्टेडियम भी गया हुआ था तो स्टेडियम से भी थोड़ा बहुत थक चुका था, बट फिर भी ब्लॉग किया। तो आज भी कुछ काम था वो मैंने सुबह सुबह एक फिनिश कर दिया कि मैं अपनी राजा डीसी फैमिली के लिए ब्लॉग तो करना ही करना है। तो अभी जा रहे हैं, पहले फ्यूल अप करवाते हैं तो देन उसके बाद देखेंगे क्या रहता है आज का, कैसा दिन रहता है, कैसा ब्लॉग रहता है। तेल तो है बट फिर भी डलवा ही लेते हैं। तो गाइस आज शफकत का पेपर है, शफकत को मैंने बोला था कि कब आएगा, बोलता कि आज थोड़ा मतलब पेपर नहीं है, टेस्ट वगैरह ही है, बोलता थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उसके बाद मैं कॉल करके बताऊंगा क्या सीन रहता है क्या नहीं। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, मैं निकल गया हूँ घर से, एक काम करना फिर तू खुद ही आ जाना, तब तक मैं रईस के पास जाता हूँ। अभी V3 बोस को कॉल किया मैं, चलेगा? बोलता अभी टेस्ट है, तू एक काम कर तू जा, तो मैं आ जाता हूँ। मैंने बोला चल ठीक है मैं निकलता हूँ। मुझे बताना ये लोगों कैसा रहेगा, मतलब अच्छा लग रहा है या नहीं। बड़े बंदे बोलते अच्छा लग रहा है। ओ भाई लग रहा है उन भाई का कुछ मसला हो गया, पूछ लेते हैं यार, हेल्प करना बनता है यार। मैंने आपको पहले ही बोला यार जो मर्जी हो, मैं बाइक कहाँ से उतारूँ, इधर से मेरी बाइक नीचे लग जाएगी, आगे से उतार लेते हैं यार, क्योंकि कभी अपने दोस्त भी होते हैं साथ में यार, मेरी बाइक उनकी वजह से नीचे ना लग जाए यार। भाई पूछ लेते हैं भाई से, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए यार। भाई क्या हुआ यार, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? मैं सोचा तेल वेल खत्म हो गया, मैं उधर से देख रहा था, मैं सोचा कुछ हेल्प स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्या हुआ मतलब तेल खत्म हो गया है? समझ नहीं आ रहा, चलते चलते मिसिंग कर देती है। अच्छा यहाँ से वहाँ तक चलती है तो मिसिंग मार देती है। पेट्रोल होगा देख लो चेक करके, पूरा भरा हुआ है। फिर कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो यार। यार प्लीज़ अगर कर देते कुछ हेल्प, मैंने अब मैं पास में सर्विस सेंटर है इसका, कहाँ तक वहाँ तक अगर आप थोड़ा कर देते हेल्प कर देते प्लीज़। मैं लात लगा के आगे तक छोड़ देता हूँ आपको, प्लीज़ प्लीज़ कोई बात नहीं, लात अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं यार, देख चलनी चाहिए बुलेट मेरे से, बाकी कोई बात नहीं। भाई तो बुलेट को खींचना कोई आसान बात नहीं है यार, बुलेट के चक्कर में कहीं अपना ना नुकसान कर लिया। आज किस्मत अच्छी है वरना यहाँ पे नाका लगा होता है यार। आप अरे कोई बात नहीं यार, मैंने देखा उस तरफ से ना, आप हालत देख लो उसको चलाना कोई, वही ना यार वही वही बात है, हालत देख लो आपकी हालत क्या हुई। जी जी अकेला बंदा तो भाई करते हैं, लेकिन जब लड़की साथ होती है तो बहुत धक्का देने में भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कहाँ तक जाना भी है आपको? सामने से टॉयलेट में। जी जी कोई बात नहीं, कहाँ जाना होगा? नहीं नहीं मैं भी अपने दोस्त के पास ही आया था, शफकत है कॉलेज में पढ़ता है दोस्त मेरा, उसी को लेने आया था बट उसका टेस्ट था आज। चलते चलते बंद हो गई थी अच्छा, जी जी आगे था। हाँ कोई बात नहीं आप कर लो बात, ट्रैफिक वाला सर भी देख रहा है। चले जाओगे आप यहाँ से? कोई बात नहीं, चले जाना आराम से, कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा आगे तक जाना तो बता दो। नहीं नहीं भाई मैंने दोस्त को कॉल किया वो आ रहा मुझे लेने यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच यार, आप जैसे लोग मतलब बहुत कम मिलते हैं, कोई चक्कर नहीं भैया। ओके ओके भाई। सो गाइस हेल्प की ज़रूरत सबको होती है, कभी हमें भी पड़ सकती है यार, बहन साथ हो दोस्त साथ हो तो भाई अच्छा नहीं लगता भाई धक्का मारे बाइक पे। तो हेलो कैसे हो, ठीक हो? और भैया ठीक हो? जी बस ठीक। तो भाई बुलेट पे आ रहे थे, मैं से उनका तेल ख़त्म हो गया बट बोल रहे थे मिसिंग करते करते बाइक बंद होगी, तो चलो कोई बात नहीं यार, हेल्प करना फ़र्ज़ बनता है यार, बाकी कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे, देन मिलते हैं आपसे आगे जाके। कम है बट इस पेट्रोल पंप पे हवा ही नहीं है यार। हेलो कैसे हो?
बस ठीक ठीक हो? हाँ। आप सरोद में कहाँ पे रहते हो? सरोद में टोल प्लाजा के पास। मैं और मेरे भाई आएंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब सब्सक्राइबर मिलते हैं ना तो अल्लाह की खुशी होती है यार। बाकी चलते हैं, शब्द को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, देन उसके बाद चलते हैं रईस औरों के पास, फिर करते हैं ब्लॉग। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं रईस औरों के पास। तो गर्मी आज वापस स्टार्ट हो गई है, एक दो दिन बहुत अच्छा था ब्लॉग करने का मज़ा आया, बट अब वापस से मतलब गर्मी हो गई है बॉम्ब। तो बाकी देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज कहीं मतलब कि पानी वाली जगह पर जाते हैं नहाने, बाकी देखते हैं दोस्त वगैरह क्या बोलते हैं, अगर मान गए तो चलेंगे नहाने आज यार। बड़े दिन हो गए हम साथ में नहाने नहीं गए सब दोस्त, अगर सारे दोस्त मान गए तो फिर हम नहाने जाएंगे आज देवी पिंडी वाली साइड जाएंगे। पिछली बार भी हम रियासी पहुंच गए थे करते करते और हमें पता नहीं था कि हमें कहां जाना है। ड्यूक वाले भैया थोड़े फॉर्म में लग रहे हैं, बट अभी मेरे को मन नहीं कर रहा बाइक खींचने का यार, क्योंकि V3 बोस हमारे साथ में नहीं है। जब वो साथ में होते हैं ना फिर थोड़ा अलग सा मूड होता है, वो पीछे बातें शातें करते रहते हैं, बंदा थोड़ा मतलब लहर में रहता है। अभी अकेला जा रहा हूँ, मज़े मज़े चलेंगे यार। चल गया राइड पे, थोड़ी सी लेट हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं शास्त्री नगर वाली साइड। वहाँ पे काम ये है मेरे को कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरे को जेट ब्लैक हेलमेट पसंद आया था, तो कुछ दिनों तक घर वालों से पैसे तो मिल ही जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो हेलमेट बिक नहीं जाना होना चाहिए, तो चलेंगे पहले वहाँ पे। सब्सक्राइबर की रेस स्कूटी वाले की इसके साथ रेस के साथ लगी है आजकल। यार मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, स्कूटी वाला हो स्प्लेंडर वाला हो बेशक हाई सीसी वाला बंदा बाइक वाला हो, सब बंदे भाई राइडर होते हैं यार। किसी को आप जज नहीं कर सकते यार किसी भी चीज़ से, क्योंकि स्किल सबके पास होते हैं। वो बेशक किसी के पास सुपर बाइक होगी ना, अगर कोई स्प्लेंडर वाले बंदे के पास अच्छे स्किल्स होंगे ना, वो इस रश में वो सुपर बाइक वाले को भी मार दे देगा। ये देखो हमारा नवाब शहदाब तो आपको पता है बिना कट के बात ही नहीं करता यार। गाइस हो गया हेलमेट का जो हमने करना था, सेलेक्ट भी कर लिया, जो मतलब मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था वही सेलेक्ट किया, शुक्र अभी तक वो पड़ा हुआ था, तो अभी हमने आधी पेमेंट कर दी हेलमेट की। भाई हेलमेट भी महंगा ही है, सस्ता तो है नहीं, सही बात है शफकत, उसके लिए भी आधी पेमेंट की है, सोच लो तो आधी हमें कल करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या यार कि मैं मोबाइल के ऑनलाइन पेमेंट के सहारे जीता हूँ यार, तो कभी कभी सर्वर डाउन चल रहा होता है, तो उसकी वजह से यार बहुत पंगा पड़ता है। अभी मैंने पापा को कॉल की, वो बोलते तू पहले बताता घर से पैसे लेके चले जाता। अब मैंने भैया को बोला कि भैया मैं सरोर से कहाँ इतनी दूर आऊँगा वापस, आप ये काम करो कि आधे पैसे रख लो, तो कल हम आएँगे तो ले जाएँगे। तो गाइस ये हो सकता है कि कल के व्लॉग में मैं वो हेलमेट परचेज़ कर लूँगा, तो देन मैं आपको बताऊँगा कि वो हेलमेट कैसा है। तो अभी चलते हैं व्लॉग करते हैं, थोड़ी सी हाइपर राइड भी करते हैं, हाइपर राइड नहीं की सुबह से V3 बोस भी आके पीछे बैठ चुके हैं चुपचाप करके, अपनी बाइक को ये ला के राजी नहीं है। आज ना ये मेरे साथ रेस कर रहा था ओवेस, तो जो इसकी पीछे टेल लाइट थी बेचारे की यार पूरी ना टूट गई, और वो टायर के बीच में फंसी हुई थी, तो उसकी वजह से इसके इंडिकेटर्स भी मतलब ख़राब हो गए। अब देखेंगे क्या रहता क्या नहीं। हमारी ताक है दौड़ना तो है। शदाब सर जाने दो सर, प्लीज सर का बोल जाने दे यार। गाइस इतनी खतरनाक फील्डिंग थी ना आज वापिस, बहुत ही खतरनाक फील्डिंग थी यार, बहुत ही मैंने बोला सर जाने दो यार, पर सर बोलते नहीं तेरे को तो पकड़ना है। मेरे को इसलिए पकड़ते हैं ये जो मेरी जान पीछे बैठी है, हेलमेट नहीं पहनती है, बोलती मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। तो गाइस हेलमेट के लिए गए हुए थे, तो ट्रैफिक वाले मतलब रोज़ ये गेम सा खेलने स्टार्ट होते हैं। शफकत अभी मेरे को बोल रहा था ये पता क्या करते हैं, मतलब सीधा सामने खड़े होंगे, मतलब मूवमेंट भी नहीं देते इंसान को, पहले इतने शरीफ से खड़े होते हैं कि हम आपको पकड़ेंगे नहीं, तो यार दूर से ऐसे कर देना इशारा कि रुक जाओ, तो हम समझे कि हाँ। पहले देखते हैं ऐसे शरीफों की तरह खड़े होते हैं, जैसे हम आधे रास्ते में पहुँचते हैं ना यार एकदम से दौड़ के बीच में आ जाते हैं यार, अपने आप को भी रिस्क में तो डालते हैं और हमें भी डालते हैं। बाकी यार बाइक गाइस मैं आपको एक बात बोल देता हूँ यार, ठीक है
मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप भी मतलब ये सब काम करो, क्योंकि मैं मतलब कि अब आप बोलोगे कि ये बोल रहा है कि मुझे टेक्निक है ये वो, मुझे कुछ भी नहीं है। बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि भाई आप मतलब ये सब ट्राई किया करो, जो मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं, बड़े किसी भी बंदे को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे से छोटे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बड़ों की मर्ज़ी आपने जैसी चलानी चलाओ, मैं अपने छोटे सब्सक्राइबर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं आपको कुछ गलत नहीं सिखाना चाहता यार, सीधी बात है। घर पे पहुंच गए, अभी थोड़ा सा मूड किया है, मैं थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं यार, मतलब आज वीडियो इतना की नहीं दोस्तों के साथ हमने, तो बाकी हेलमेट आपका भाई मतलब कि एक हिसाब से कल आपको देखने में मिल जाएगा, जेट ब्लैक है, SMK का है, तो 5000 के ऊपर ही था, बट 5000 के अंदर अंदर ही हमने उसको कर लिया सब कुछ, ओके रिपोर्ट करके सिस्टम शिफ्ट किया हुआ था, उसने बोला थोड़ा बहुत तो करवा ही दिया 5000 के आसपास, तो बाकी कल वो हेलमेट मिल जाएगी, बट उसके लिए मेरे को स्ट्रैप भी लेनी पड़ेगी। चलो जो भी सेटअप लूँगा आपको तो बता ही दूंगा, माइक भी ऑर्डर करवा दिया, माइक भी आ जाएगी, तब मतलब अच्छे से आवाज़ आने वाली है आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।